हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज की क्लास आपकी रहेगी एम्प्लॉयबिलिटी सेकेंड ईयर वाले छात्रों के लिए। ये आपकी न्यू पीडीएफ से हम क्लासें आपकी करा रहे हैं। जो आपका सिलेबस चेंज हुआ था वही सिलेबस हम अब आपको करा रहे हैं, ठीक है। तो डियर, मैंने जैसे कि पिछली क्लासों में आपको बताया कि हम थोड़ा स्पीड से लेके चलेंगे, क्योंकि हमें एग्ज़ाम तक ये कंप्लीट करना है जिससे आपका कोई क्वेश्चन ना छूटे, ठीक है। तो क्लास को अपने फ्रेंड्स में, अपने ग्रुप्स में ज़रूर शेयर करें, और जो भी हमारे चैनल पर पहली बार हैं चैनल को सब्सक्राइब और क्लास को लाइक ज़रूर करें। क्वेश्चन आता है हमारे पास 51, जिसमें आपसे पूछा है कि ए ग्रेन प्रैक्टिस इन्वॉल्व्स एनी एक्टिविटी दैट, यानी कि हरित अभ्यास में ऐसी कोई भी गतिविधि शामिल होती है जो क्या करती है। देखिए, हरित अभ्यास में ऐसी कोई भी गतिविधि शामिल होती है तो यहाँ पर क्या आपका जाएगा, हरित क्रांति होती। आपने सुना होगा हरित क्रांति, ठीक है। उसका जो आज से, यानी कि जो मतलब होता है हरित क्रांति का, एक अर्थ मैं बता दूँ आपको, तो वो होता है कृषि से, ठीक है। तो यहाँ पर आपसे पूछा है कि हरित अभ्यास में ऐसी कौन सी गतिविधि शामिल होती है जो क्या करती है। तो यहाँ पर आपका जाएगा कि पर्यावरण और संसाधन की सुरक्षा और देखभाल करती है। तो बी ऑप्शन यहाँ बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका चला जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास आता है 52। पूछा है कि विच टर्म डिस्क्राइब्स यूजिंग थिंग्स इन ए वे दैट कैन लास्ट फॉर ए लॉन्ग टाइम विदाउट केसिंग हार्म्स, यानी कि कौन सा शब्द उन चीज़ों का उपयोग करने को दर्शाता है जो बिना किसी नुकसान के लंबे समय तक चल सकती है। तो ऐसा कौन सा शब्द है जो, ये आपको चार ऑप्शन दिए हैं, इससे पूछा है कि ऐसा कौन सा शब्द इनमें से है जो उन चीज़ों को उपयोग करने को दर्शाता है जो किसी भी नुकसान के बिना लंबे समय तक चल सकती है। तो यहाँ पर क्या आपका राइट आंसर जाएगा, तो ये होता है आपका स्थायित्व, यानी कि सस्टेनेबिलिटी। सो ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर यह आपका चला जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है 53। पूछा है कि व्हाट डज हैविंग ए ग्रीन मंडेस्ट मीन, यानी कि हरित मानसिकता रखने का क्या मतलब है। हरित मानसिकता रखने का क्या मतलब है, तो यहाँ होता है आपका कि जो पर्यावरण की देखभाल करना और संसाधनों को, यानी कि संसाधनों को समझ से उपयोग करना कि ये कैसे उपयोग किए जाएंगे, सही उपयोग करना क्या कहलाता है, यहाँ पर हरित मानसिकता रखने का मतलब होता है, ठीक है। तो जहाँ हमारा डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट आंसर चला जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आता है आपके पास कि रवि हैज द फॉलोइंग हैबिट्स विच ऑफ दीज इज ए ग्रीन प्रैक्टिस, यानी कि रवि की निम्नलिखित आदतें हैं, इनमें से कौन सी आदत पर्यावरण के अनुकूल है। निम्न में से कौन सी आदत पर्यावरण के अनुकूल है, तो पर्यावरण के अनुकूल कौन सी आदत यहाँ चली जाएगी, देख लेते हैं। अनावश्यक सामान खरीदना बिल्कुल गलत, कमरे से बाहर निकलते समय लाइट और पंखे चारों छोड़ना बिल्कुल गलत, इससे क्या होगा, लाइट हमारी वेस्ट जाएगी, बिल आपका फालतू का ही आना है, ठीक है, तो इससे आप ही का नुकसान होना है। तीसरा सी ऑप्शन हमारे पास आ जाता है, किराने का सामान खरीदने के लिए कपड़े का थैला ले जाना। और चौथा आता है हमारे पास, एक बार इस्तेमाल होने वाली प्लास्टिक की पानी की बोतल खरीदना, बिल्कुल गलत है जी। जब एक बार प्लास्टिक की बोतल हम यूज़ कर पा रहे हैं, पानी की बोतल यूज़ कर पा रहे हैं, उसका बाद में यूज़ नहीं है, वो वेस्ट जाएगी, उसे आप कहीं ना कहीं फेंक दोगे, इससे क्या होगा, प्रदूषण होगा, ठीक है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन हमारा राइट आंसर चला जाएगा। अब देखिए, यदि आप कपड़े का थैला लेकर जाएंगे तो वहाँ से हमें पॉलोथीन नहीं मिलेगी, पॉलोथीन मिलती है तो वो प्लास्टिक की होती है, ठीक, तो वो क्या करती है, आपका प्रदूषण ही करती है, गलती वो है नहीं, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपके पास 55। पूछा है, योर फ्रेंड सजेस्ट गोइंग फॉर ए पिकनिक, सी आस्क्स यू टू ब्रिंग डिस्पोजेबल प्लेट्स एंड कप्स, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्शन शोज योर कमिटमेंट टू ए ग्रीन माइंडसेट। आपको, यानी कि आपकी दोस्त पिकनिक पर जाने का सुझाव देती है, वह आपसे डिस्पोजल प्लेट और कप लेने के लिए कहती है, निम्नलिखित में से कौन सी क्रियाएं हरित मानसिकता के प्रति आपकी प्रतिबद्धता को दर्शाएंगी। अब देखिए यहाँ पर क्या है, डिस्पोजल प्लेट और कप ले जाने के लिए वो बोल रही है ना, तो यहाँ आपका क्या जाना चाहिए,
डिस्पोजल प्लेट क्या होते हैं कि जो आप ऐसे लेकर जाएं कि जो पुनः आप यूज़ कर सकते हैं, उनको धोने के बाद आप दोबारा से इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसे आपको क्या लेकर जाने चाहिए, प्लेट और कप ले जाने चाहिए। ठीक है, तो यहाँ हमें ए ऑप्शन में दिया है कि हाँ कहें और डिस्पोजल प्लेट और कप लाएं, बिल्कुल गलत है। पुनः प्रायोज्य प्लेट और कप लाएं, हाँ जी बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर यहाँ पर चला जाता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन आता है कि व्हाट आर ग्रीन जॉब्स, हरित नौकरियां कौन सी हैं। हरित नौकरियां क्या हैं, तो ये कौन सी होती हैं आपकी, हरित नौकरियां ये होती हैं आपकी संसाधनों और संरक्षण करने वाली, पर्यावरण की मदद करने वाली नौकरियां क्या होती हैं आपकी, हरित नौकरियां होती हैं। तो डी ऑप्शन यहाँ आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर चला जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आ जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए ग्रीन प्रैक्टिस, यानी कि हरित प्रथा नहीं है, कौन सी नहीं है। तो यहाँ आपका जो करेक्ट आंसर जाएगा ये जाएगा कि प्रतिदिन प्लास्टिक को कंटेनर में लंच मंगवाना, जी बिल्कुल गलत है ये कि हमें क्या नहीं करना चाहिए, प्लास्टिक के कंटेनर में लंच नहीं मंगवाना चाहिए, ये हरित प्रथा नहीं है। ठीक है, तो बी ऑप्शन करेक्ट आंसर आपका जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है कि ये ग्रीन वर्क प्लेस एक हरित कार्यस्थल क्या होता है, जहाँ पर कम कागज़ और ऊर्जा बचत वाली लाइटों का उपयोग होता है, यहाँ पर क्या होगा हमारा, हरित कार्यस्थल होता है। सो ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका चला जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपको, 59 पूछा है कि रीमा वर्क्स ए रेस्टोरेंट, सी वॉन्ट्स टू गिव हर मैनेजर आइडियाज टू मेक द रेस्टोरेंट फॉलो ग्रीन प्रैक्टिस, विच ऑफ दीज आइडियाज शुड वी सी ऑफर। यानी कि रीमा रेस्टोरेंट में काम करती है, वह अपने मैनेजर को रेस्टोरेंट में पर्यावरण अनुकूल व्यवहार अपनाने के लिए सुझाव देना चाहती है, उसे इनमें से कौन सा सुझाव देना चाहिए, तो उसे इनमें से कौन सा सुझाव देना चाहिए। तो ये हो जाएगा आपका प्लास्टिक पैकेजिंग में खाना पहुंचाना, स्टील की प्लेट और कप का इस्तेमाल करना, ये बिल्कुल सही है, कर्मचारियों को डिस्पोजल प्लेट में लंच देना, यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर चला जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है कि श्याम एक ब्यूटी सैलून में काम करता है, श्याम के सैलून में इनमें से कौन सी चीज़ पर्यावरण के लिए अच्छी नहीं है। ठीक है, अच्छी नहीं है की बात की गई है, तो ये होता है कि चाय और पानी पीने के लिए कागज़ के कप का इस्तेमाल करना, फर्श के लिए सुरक्षित और बायोडिग्रेडेबल सफाई सामग्री का इस्तेमाल करना, एक बार इस्तेमाल होने वाले प्लास्टिक के दस्ताने बजाय ये नहीं जाएगा आपका। तो यहाँ पर बाल काटवाने के लिए, काटवाने के बाद बालों के कचरे को पर्यावरण के अनुकूल तरीके से निपटाना, देखिए यहाँ पर क्या जाएगा आपका, कि आपका यहाँ पर सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हमारा जाएगा, जो बिल्कुल सही आंसर जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन आता है 61, पूछा है आपसे कि गूगल पर नई जानकारी खोजते समय सही शब्दों का उपयोग करना क्यों महत्वपूर्ण है। सही शब्दों का उपयोग करना क्यों महत्वपूर्ण है, क्योंकि यदि हम सही शब्दों का प्रयोग करेंगे तो हमें सही जानकारी मिलेगी। ठीक है, यदि आप खोज रहे हैं कि वर्ड यानी कि चिड़िया और लिख रहे हैं आप वर्ल्ड संसार का, तो वहाँ पर आपको गलत सूचनाएं मिलती है, तो ये आपका जरूरी है कि शब्दों का सही चयन करें। क्वेश्चन आता है 62, पूछा है कि सानिया ने अपने घर नए प्रोजेक्ट के लिए अलग अलग वेबसाइट से बहुत सारी जानकारी इकट्ठी की है, इस जानकारी को छांटने के लिए उसे आगे क्या करना चाहिए। तो इस जानकारी को छांटने के लिए उसे आगे क्या करना चाहिए, सारी जानकारी को मिलाया, बिल्कुल गलत है, सारी जानकारी को अपने सहकर्मियों के साथ साझा करें, भाई उसने अकेली ने मेहनत की है तो सभी के साथ क्यों साझा करेगी, राइट। जानकारी को ध्यान से पढ़ें और महत्वपूर्ण बिंदुओं को चिन्हित करें, बिल्कुल सी ऑप्शन हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर चला जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन आ जाता है हमारे पास 63, पूछा है कि सुनीता ने इंटरनेट से कुछ जानकारी एकत्र की है और उसे छांटा है, उसे अपनी टीम के साथ साझा करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है। तो सबसे अच्छा जो तरीका है वो ये है कि केवल मुख्य बिंदुओं को स्पष्ट रूप से साझा करें, यदि संभव हो तो सरल शब्दों और चित्रों का उपयोग करें, ठीक है, जिसके जरिए बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो बी ऑप्शन हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर चला जाता है।
आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है कि जो कुछ आप सीखते हैं उसके बारे में सोचना क्यों अच्छा लगता है। जो आप सीखते हैं उसके बारे में सोचना क्यों अच्छा लगता है, तो ये क्यों अच्छा लगता है कि यह याद रखने और बेहतर समझने में मदद करता है। ठीक है, तो बी ऑप्शन हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर चला जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आ जाता है 65, जिसमें पूछा है कि सीखने के बारे में सोचते समय आप खुद से क्या सवाल पूछ सकते हैं। भाई सीखने के बारे में आप सोच रहे हैं तो आप खुद से क्या सवाल पूछ सकते हैं, मैंने क्या सीखा, क्या सीखना आसान था या मुश्किल, मैं बेहतर कैसे सीख सकता हूँ। हाँ जी बिल्कुल, डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हमारा चला जाएगा। क्या सीखा, ये भी आप सोचेंगे तो आप बहुत अच्छे से आप अपने अंदर का जान पाएंगे कि आप क्या सीख रहे हैं और क्या नहीं सीख रहे हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन आ जाता है हमारे पास, जॉब पोर्टल क्या है। जॉब पोर्टल क्या होता है, एक ऐसी वेबसाइट जहाँ पर कंपनियाँ जॉब पोस्ट डालती हैं और हमें वहाँ पर अपने हिसाब से हम वहाँ पर अपनी जॉब को खोज सकते हैं। तो डी ऑप्शन हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर चला जाएगा। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं डियर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है 67, पूछा है आपसे कि जॉब पोर्टल पर अपना प्रोफाइल बनाते समय आपको हमेशा क्या याद रखना चाहिए। तो हमें क्या याद रखना चाहिए कि हमेशा जो आप सच बोलें, है ना, मतलब कि जैसे कि आपने जो क्वालिफिकेशन आपकी है, आपने बीए किया है, एमए किया है, आईटीआई किया है, पॉलिटेक्निक किया है, बीएड किया है, बीटेक किया है, तो वो आपने डालना है वहाँ पर। आप कहाँ रहते हैं, आपका क्या कॉन्टैक्ट नंबर है, क्या नाम है आपका, है ना, तो ये सारी चीज़ें, यानी कि हमें बिल्कुल सभी अच्छे से वहाँ पर ट्रूथफुल चीज़ें फिल करनी चाहिए। तो सी ऑप्शन करेक्ट आंसर यहाँ आपका जाना चाहिए। चलिए हट नहीं रहा है। चलो क्वेश्चन आया था 68, पूछा है आपसे कि नौकरी के लिए आवेदन करने से पहले नौकरी के लिए आवश्यक कौशल की जांच करना क्यों महत्वपूर्ण है। तो क्यों महत्वपूर्ण होता है, कि यह सुनिश्चित करने के लिए कि आप नौकरी अच्छी तरह से कर सकते हैं या नहीं। बिल्कुल ए ऑप्शन हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर जाएगा। अब मान लीजिए यदि मैं कोई प्राइवेट जॉब करना चाहूँ तो पहले मैं उसके बारे में जानूँगी कि वर्क क्या है वहाँ पे और क्या वर्क होगा, मैं उस काम को कर सकती हूँ या नहीं कर सकती हूँ, इस टाइप से हम वहाँ पर देखते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है 69, जिसमें पूछा है कि यदि आप इलेक्ट्रीशियन के रूप में प्रशिक्षित हैं और दिल्ली में नौकरी करना चाहते हैं तो आपको जॉब पोर्टल के सर्च बॉक्स में क्या लिखना चाहिए। दिल्ली में नौकरी करना चाहते हैं तो दिल्ली में इलेक्ट्रीशियन की नौकरी यहां पर आप सर्च करेंगे। सी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर चला जाएगा। ठीक है, सी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर चला जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है 70, पूछा है आपसे कि arjunnaukri.com पर नौकरियां के लिए आवेदन कर रहा है। arjunnaukri.com पर नौकरी के लिए आवेदन कर रहा है, उसे इनमें से क्या करना चाहिए। तो ये आपको यहां पर बताना है। भाई नौकरी विवरण के साथ उसके कौशल का मिलान करें, बिल्कुल राइट आंसर है। यदि आपसे पूछा है कि आपको नौकरी की क्वालिफिकेशन क्या मांगी है आपको, तो यानी कि मान लीजिए एक नौकरी निकली है जिसमें पूछा गया है, अब जैसे आरआरबी में एएलबी की आई थी और टेक्नीशियन की आई थी, है ना, तो उसमें आपको दिया गया था कि आईटीआई और बीटेक। टेक्नीशियन में क्या दिया था आपको, कि आईटीआई और बीटेक आपको दिया था, है नहीं। तो ये होता है कि अब देखिए मान लीजिए कि जिस बच्चे ने आईटीआई की रखी होगी वो तो उसको अप्लाई कर देगा, जिसने आईटीआई नहीं किया ना ही बीटेक किया तो वो उसको अप्लाई नहीं कर सकता, राइट। चलिए क्वेश्चन आता है हमारे पास 71, पूछा है राहुल नौकरी के लिए आवेदन कर रहा है, उसे अपने नौकरी आवेदन ईमेल में इनमें से कौन से दस्तावेज संलग्न करने चाहिए। तो ये होता है आपका रिज्यूम कोर्स और प्रशिक्षण प्रमाण पत्र, यानी कि आपका जो ट्रेनिंग सर्टिफिकेट है यहाँ पर आपको वो क्या करना चाहिए, संलग्न करना चाहिए, यानी कि अपलोड करना चाहिए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन आता है 72, पूछा है वेनु ने अपने ईमेल में एक स्पष्ट विषय शामिल किया है, यह महत्वपूर्ण क्यों है। तो कंपनी को यह बताने के लिए ईमेल किस बारे में है। ठीक है, बी ऑप्शन हमारा यहाँ पर क्या जाएगा, राइट आंसर जाएगा। बिल्कुल राइट आंसर जाएगा। ठीक है डियर, चलिए
देखिए क्वेश्चन आता है 73 हमारे पास, पूछा है सिया इलेक्ट्रीशियन पद के लिए आवेदन कर रही है, उसे कंपनी को अपना ईमेल कैसे शुरू करना चाहिए? एक चुटकुले से शुरू करें भाई, वहाँ पर कोई क्या बोलते हैं उसको फनी एडमिशन नहीं आपका हो रहा है ना। उसकी पसंदीदा तस्वीरें संलग्न करें, बिल्कुल गलत। एक स्पष्ट विषय पंक्ति और विनम्र अभिवादन के साथ शुरू करें, हाँ जी बिल्कुल सी ऑप्शन यहाँ आपका राइट आंसर चला जाएगा। ठीक है, सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर आपको जाएगा। चलिए क्वेश्चन है 74, पूछा है अर्चना ईमेल पर नौकरी के लिए आवेदन भेज रही है, वह अपना बायोडाटा और अन्य दस्तावेज कैसे साझा कर सकती है? अन्य दस्तावेज कैसे साझा कर सकती है ये आपसे पूछा है, तो यहाँ पर डी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर चला जाएगा। बिल्कुल राइट आंसर हमारा यहाँ पर डी ऑप्शन चला जाएगा कि स्कैन किए गए दस्तावेजों को पीडीएफ के रूप में ईमेल के साथ संलग्न करें, राइट आंसर है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन है हमारे पास कि कल्पना कीजिए कि आप किसी कंपनी में इलेक्ट्रीशियन के पद के लिए आवेदन कर रहे हैं, सिर्फ कल्पना करनी है। निम्नलिखित में से कौन सी ईमेल पीस है पंक्ति आपके नौकरी आवेदन के लिए सबसे अच्छा उपयुक्त होगी? तो ये होता है आपका इलेक्ट्रीशियन नौकरी आवेदन, भाई इलेक्ट्रीशियन के लिए तो आप कर ही रहे हैं, नई नौकरी के लिए आवेदन इलेक्ट्रीशियन के लिए कर रहे हैं, तो नई नौकरी कहाँ से आ गई? तत्काल ध्यान देने की आवश्यकता है, जी नहीं। आपसे पूछा है कि नौकरी इलेक्ट्रीशियन के पद के लिए आवेदन कर रहे हैं, तो ईमेल विषय पंक्ति आपकी नौकरी आवेदन के लिए सबसे उपयुक्त होगी। ठीक है, तो ये होगा आपका इलेक्ट्रीशियन पद के लिए आवेदन और आपका नाम, ठीक, डी ऑप्शन हमारा यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर चला जाएगा। ठीक है डियर, तो आज की क्लास बस यहीं तक, मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में। क्लास को शेयर करना ना भूलें और लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है, क्योंकि यहाँ पर आपको बहुत अच्छी तैयारी मिल जाती है आपके एग्ज़ाम के लिए। ठीक है।